अस्सलाम वालेकुम। आज हम एग स्टफ़ कटलेट की रेसिपी शेयर करते हैं। ये बाहर से बहुत क्रंची से और अंदर से बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं और बनाते हैं और इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है कि इस तरह की कुछ फ्राइंग का दिल कर रहा है। इसके लिए मैंने 3 से 4 आलू बॉईल कर लिए हैं और 1 गाजर ग्रेट की है, थोड़ा सा प्याज और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च काट ली है। आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ आप डालना चाहें, मटर है या पालक है या कोई और सब्ज़ियाँ, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने 1-1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच पुदीना डाल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच भर कर ब्रेड क्रम्स के डालेंगे। इसके अलावा इसमें मैंने कुछ स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं जो कि बहुत ही कम है। इसमें मैंने नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल किया है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर सुर्ख मिर्च नहीं डालना चाहें तो आप इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल डालें। इसके अलावा मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह मिक्स करें ताकि इसके अच्छे से कटलेट्स बन सकें। और दूसरी तरफ मैंने अंडे बॉईल कर लिए हैं। अंडे बॉईल करके इनको स्लाइसेस में काट लें ताकि इसके अंदर हमने जो स्टफ़ करना है अंडे को, वो भी हमारी तैयारी साथ साथ कंप्लीट हो जाए। अब हाथों को हल्का सा ऑयल करें और कटलेट्स बनाएं। 1 कटलेट्स बनाकर इसके ऊपर अंडे का 1 स्लाइस रखें और दूसरा कटलेट इसके ऊपर रख कर इसको किनारों से आहिस्ता आहिस्ता दबा दें। किनारों से बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, अगर कोई क्रैक हो तो उनको सेट कर लीजिए। और कटलेट्स की मोटाई भी मुनासिब रखें, बहुत ज़्यादा मोटे ना रखें और ना बहुत ज़्यादा ही पतले हों। आप इनको बर्गर में यूज़ कर सकते हैं, ये चावलों के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। खाने में आपको बिल्कुल चिकन शामी जैसा ही टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं। हम कटलेट्स तैयार हो जाएं तो इसके लिए फ्राई करने के लिए हम एक डिप तैयार करेंगे, जिसमें हम डिप करके इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए 1 बाउल में आप 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। इसमें भी मैंने 2 चुटकी चिकन पाउडर डाल दिया है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। अब हम इसको पानी के साथ अच्छा सा घोल बना लेंगे। चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि हमारा बैटर पतला ना हो जाए और इसकी कोटिंग अच्छी सी आए, इसलिए इसका बैटर को मुनासिब गाढ़ा होना चाहिए। मुनासिब गाढ़ा होने के बाद अपने कटलेट्स को हम इसमें डिप करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। लेकिन मैंने फ्राई करने से पहले एक बार इनको तिल में भी डिप कर लिया है, या इसके ऊपर तिल छिड़क दें तो दिखने में भी बहुत मज़े के लगते हैं और फ्राई किए हुए इसमें तिल बहुत मज़े के लगते हैं। आप इनको डीप फ्राई कीजिए और क्रिस्प होने पर और जब थोड़ा गोल्डन कलर आ जाए इनके ऊपर तो इनको निकाल लीजिए। बहुत ही मज़ेदार स्टफ़ एग कटलेट्स तैयार हैं, इंजॉय कीजिए। ये बाहर से बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत नरम, बहुत मज़ेदार। जब आप खाएंगे आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये इसमें चिकन नहीं हमने डाला है। ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ में चिकन हो तो ही मज़े की लगती हैं, खाली सब्ज़ियों के साथ भी हम बहुत अच्छे कटलेट्स बना सकते हैं। मैंने इनको बर्गर में भी डालकर बर्गर बनाए हैं
बहुत ही मज़े के लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और क्रीमी से। इंशाल्लाह उसी की रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तो तब तक आप ये बनाइए, इंजॉय कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I'll be